हेलो फ्रेंड्स, इजी जीएस में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार भट्ट। कल की क्लास को आगे बढ़ाते हुए, कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111.13 किलोमीटर होती है, लेकिन हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि सब जगह इक्वल डिस्टेंस नहीं होता है। सब जगह उसके बीच की दूरी 111.13 किलोमीटर ही नहीं होती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है पृथ्वी की आकृति। पृथ्वी एक्चुअली में पूरी तरह से गोलाकार है नहीं। अगर गोलाकार होती तो सब जगह इसके बीच की दूरी समान होती। जैसे आप देखिए, मान लीजिए एक पृथ्वी हमारी, तो जितना यहाँ से मुड़ी हुई है उतना ही यहाँ पर मुड़ी हुई है, उतना ही यहाँ पर मुड़ी हुई है। ऐसे ऐसे खंड में देखिए, जैसे यहाँ पर जितना कर्व है, यहाँ पर जितना कर्व है, यहाँ से जितना जितना कर्व है उतना ही यहाँ से यहाँ भी होगी, उतना ही यहाँ से यहाँ भी होगी। सब जगह बराबर मूर्ति चली गई है, तभी एक वृत्त बनता है, एक सर्कल बनता है। सर्कल में सब जगह रेखा का झुकाव एक समान होता है, लेकिन चूंकि पृथ्वी स्फेरिकल नहीं है, गोलाकार नहीं है, वो अंडाकार है, इसलिए इसके जो रेखाएं झुकती चली गई है उसमें अंतर है। अब पूरी तरह से परपेंडिकुलर विषुवत रेखा के पास होती है। अब इसकी ओरिजिनल आकृति क्या है उसको जरा देखिए। ये ऐसे है पृथ्वी की आकृति, इसे हमने लिख दिया है। कारण क्या है? दो अक्षांशों के बीच की दूरी सभी जगह एक समान, मतलब एक समान कितना होनी चाहिए थी? अगर अगर वो स्फेरिकल होती तो कैसा होता, कितना किलोमीटर होता? 111.13 किलोमीटर होता, लेकिन नहीं है। नहीं होने का कारण क्या है? इसकी अंडाकार आकृति। तो फिर कैसी है? अर्थात पृथ्वी पूर्णतः गोलाकार या स्फेरिकल न होकर पूर्णतः गोला नहीं है। कैसी है? अंडाकार है, मतलब स्लाइटली इलिप्टिकल है। एक क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो स्लाइटली इलिप्टिकल कहेंगे, माने हल्की अंडाकार। अब अंडाकार होने के कारण बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होंगे इसमें, लेकिन फिलहाल ये आकृति न होकर तो देखिए कि ऐसी आकृति आ रही, ऐसी आकृति है। हमने पिछला क्लास में बताया था कि यहाँ पर ये विषुवत रेखा के पास फूलने का कारण क्या है, कि दोनों तरफ ग्रह हैं और ग्रहों के ग्रेविटेशनल फोर्सेज इस पर लगते हैं, इसलिए ये आकृति गोलाकार आकृति न होकर के ऐसी आकृति बन गई। अब इस आकृति का क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम इसलिए मैं बता रहा हूं कि कहीं कहीं पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111.13 किलोमीटर लिखा रहेगा, कहीं कहीं पर 111.6 किलोमीटर लिखा रहेगा, किसी किसी जगह पर हम लोग 11.6 भी लिखवा देते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे जगहों को अलग अलग अंतर लिखवाते हैं, अंतर से लिखवाते हैं। उसका वजह, मेन वजह जान लीजिए क्यों ऐसा होता है। देखिए, विषुवत रेखा के पास या इक्वेटर के पास इसके बीच की दूरी 110.567 किलोमीटर होती है। एक्चुअली में यहां पर बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे पोल के पास जाएंगे, ध्रुव के पास जाएंगे, इसके बीच की दूरी घटते चली जाएगी, सॉरी बढ़ते चली जाएगी। जैसे जैसे विषुवत रेखा से पोल के पास जाएंगे, नॉर्थ या साउथ, इसके बीच की दूरी बढ़ते चली जाएगी। कारण बताते हैं अभी, लेकिन बीच की दूरी कितना बढ़ रही है वो भी देख लीजिए। स्लाइटली बढ़ती है, चूंकि स्लाइटली झुकी हुई है, स्लाइटली अंडाकार है, इसलिए थोड़ा ऊर्जा बढ़ता है।
दूरी देखिए विषुवत रेखा के पास कितना होगी 110.567 किलोमीटर। यही अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास चले जाएं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को मकर रेखा कहते हैं, हमने लिख दिया इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिख दिया हमने, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को के पास बीच की दूरी 110.948 किलोमीटर है, माने 110.5 से 4 बढ़ा, मात्र 0.4 माने लगभग 400 मीटर की दूरी बढ़ी। उसके बाद जैसे ही आप आते हैं पोल के पास तो और थोड़ी सी बढ़ गई, वही लगभग 500-600 किलोमीटर के आसपास, 500-600 मीटर के आसपास बढ़ी। तो अलग अलग कहीं कहीं पर डाटा पूछ देता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली है क्या कितना। आप देखिए हमने यहां पर दिखाया है कि इक्वेटर के पास विषुवत रेखा के पास यही डिस्टेंस है ना, 0 डिग्री है इक्वेटर है, 0 डिग्री से 1 डिग्री नॉर्थ का हम डिस्टेंस ले लिया, मैंने 1 डिग्री नॉर्थ का लिया, 1 डिग्री आप साउथ में भी ले सकते हैं। विषुवत रेखा के पास कोई भी आप डिस्टेंस लेंगे तो होगा 110.567 किलोमीटर। उसी तरह से हमने कर्क रेखा के पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास लिया ए डिस्टेंस, अगर यहां से डिस्टेंस नापेंगे तो ये सीधा सीधा जाकर यहां पर मिलेगा, ऐसे मिलेगा, और यहां से डिस्टेंस हमको लेना है, मतलब 2 अक्षांशों के बीच की दूरी लेनी है। तो यहां पर ये डिस्टेंस माने कर्क रेखा को हम लिखते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, 27.5 डिग्री उत्तर, तो पास से डिस्टेंस कितना होगा 110.948 किलोमीटर। फिर पोल के पास ही 2 अक्षांशों के बीच की दूरी हमने लिया, पोल के पास ही 2 अक्षांशों के बीच की दूरी लिया, यू कहते हैं ध्रुव पर 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111.699 किलोमीटर। आप इसको आसान बनाने के लिए 111.7 भी लिख सकते हैं, तीनों का एवरेज निकलता है 111.13 किलोमीटर। अब देखिए क्यों ऐसा होता है, आप ये इस ग्लोब पर दूरी क्यों बढ़ते चली जाती है, हम छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाएं। यहां पर देखिए ये है इक्वेटर, विषुवत रेखा के पास बिल्कुल जो लाइन खींचा जाएगा, जो लाइन डिस्टेंस लेंगे 2 अक्षांशों के बीच की दूरी, ये क्या कर रहा है, ये है अक्षांश, ये इक्वेटर है, यहां पे कर्क रेखा के पास या मकर रेखा के पास, कर्क रेखा के पास या मकर रेखा के पास बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए कर्क रेखा विषुवत रेखा के पास ये डिस्टेंस इतना है, और जब कर्क रेखा या मकर रेखा के पास जाएंगे, जब कर्क रेखा या मकर रेखा के पास जाएंगे तो पृथ्वी कर्व हो जाती है। देखिए यहां पर कर्क रेखा मकर रेखा के पास थोड़ी मुड़ गई, कर्व हुई, जब कर्व होगी तो डिस्टेंस निश्चित रूप से बढ़ेगा, जब कर्व होगी तो यह डिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये जो लाइन होगा दोनों 2 अक्षांशों के बीच की दूरी ही हमको मेजरमेंट करना है, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी ही नाप रहे हैं, लेकिन यहां पर बिल्कुल कर्व नहीं है पृथ्वी का, प्लेस कर्व नहीं है, डिस्टेंस कर्व नहीं है, मुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए 110.5 किलोमीटर हो गया। और यहां पर डिस्टेंस चूंकि कर्व है, अंडाकार आकृति है, इसलिए मुड़ी हुई है, इसलिए यहां पर थोड़ा सा बढ़ गया। और जब पोल के पास जाएंगे और मोड़ती है, क्योंकि पोल के पास पृथ्वी हमारी चपटी है, चपटी थोड़ा सा और मोड़ती है, हमने यहां पर मुड़ करके दिखाया है कि मुड़ा हुआ आकृति के चलते इसकी दूरी थोड़ा और बढ़ जाती है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको यहां पर हम लिख देते हैं, इसको मिटाते हैं, और ये आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ई एफ इज ग्रेटर देन
CD, CD, CD is greater than AB. अब आप निश्चित रूप से कह सकते हैं, और EF पोल के पास का रेखा है, पोल के पास की दूरी है, EF क्या है? ध्रुव के पास की दूरी है, और सीडी क्या कहां है? कर्क रेखा या मकर रेखा के पास है, और ए भी विषुवत रेखा के पास है, विषुवत रेखा के पास है की दूरी है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी, दो अक्षांशों के बीच की दूरी। ऐसे आप बिल्कुल कंफ्यूजन आपको अब नहीं हो सकता है कि क्यों अलग अलग जगहों पर अलग अलग बातें लिखी रहती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, सिविल सर्विस क्वेश्चन पूछे गए हैं कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी सबसे ज्यादा कहां होती है, विषुवत रेखा के पास या कर्क रेखा के पास या मकर रेखा के पास या ध्रुव पर? तो निश्चित रूप से सही होगा कि ध्रुव पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी मैक्सिमम होती है, सबसे ज्यादा होती है। कहां कम होती है? तो विषुवत रेखा के पास सबसे कम होती है। अब इसका यहाँ पर चिपटी होने के बहुत सारा रोल है, बाद में जो बताया जाए ग्रेविटेशनल फोर्सेज वहां पर काम करते हैं, क्योंकि ज्यादा काम करते हैं जिसके चलते वस्तु का भार में परिवर्तन होता है। तो अब कर्क रेखाओं का कुछ यूजेज देखते हैं, कर्क रेखाएं कितनी होती, कितनी उसका यूजेज है, कितना कर्क रेखाओं का यूजेज। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है पूरा कि कितनी अक्षांश रेखाएं हैं और क्या क्या कंफ्यूजन होते हैं। लिख दिया कुल अक्षांशों की संख्या 181 होती है, कितना होती है 181। कैसे होती है जरा समझिए। एक तो हमने बीच की रेखा खींची, ग्रुप पर खींचा गया है, बीच की रेखा को क्या कहते हैं, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, जीरो डिग्री लैटिट्यूड, ये तीन चार नाम है इसका। तो हमने इसको इक्वेटर लिख देते हैं, इक्वेटर लिख दिया। अब देखिए इक्वेटर जो है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। कौन कौन दो बराबर भागों में बांटी? ऊपर में स्थित पार्ट को ऊपर में आधा गोला है, नीचे में आधा गोला है, इसने दो भागों में बांटी, आधा गोला कर दी। ऊपरी अर्ध गोले को ऐसे भी हेमिस्फीयर बोला जाता है, ऊपर वाला पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे और साउथ वाला पार्ट को सदर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। बाद में आपको काम करेगा मैप को समझने में कि ऊपर में जो भी देश होंगे उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के देश बोले जाएंगे, अर्थात उत्तरी गोलार्ध के देश बोले जाएंगे। हिंदी में इसका क्या होता है, नॉर्दर्न माने उत्तरी, उत्तरी हेमिस्फीयर गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और नीचे है दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए उत्तरी गोलार्ध में कितने लैटिट्यूड हैं, कितने अक्षांश हैं? एक डिग्री से शुरू करते हैं, एक लाइन खींचा हमने, मान लीजिए एक डिग्री शुरू किए, ऐसे लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया, एक डिग्री पर आ गया, जैसे दो डिग्री पर खींचेंगे, तीन डिग्री पर खींचेंगे और ऐसे ऐसे करते करते 90 डिग्री तक जाएंगे, 90 डिग्री तक जाएंगे। तो एक से लेकर के 90 तक कितने अक्षांश हुए, 90 हुए। दक्षिण में भी, दक्षिण गोलार्ध में भी वही होंगे, एक से लेकर के 90 तक। अंतर क्या है, केवल ऊपरी ऊपर में स्थित अक्षांश को नॉर्थ अक्षांश लिख देंगे, जैसे कि मान लीजिए 4 डिग्री लिखना है तो 4 डिग्री नॉर्थ लिखेंगे, नीचे में 4 डिग्री लेना है 4 डिग्री साउथ लिखेंगे, इसलिए 90 डिग्री को लेना है तो क्या लिखेंगे, 90 डिग्री नॉर्थ,
90 डिग्री साउथ, इसको हमने डिटेल किया। एक डिग्री नॉर्थ से एक डिग्री नॉर्थ, जीरो डिग्री से ऊपर नॉर्थ होगा, एक डिग्री नॉर्थ से एक डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ तक, एक से लेकर 90 तक कितना हुआ, 90 अंश हो गए, लिख दिया हमने, कितने अंश हुए, एक से 90 तक 90 अंश हो गए। एक डिग्री साउथ से, एक डिग्री साउथ से लेकर के 90 तक क्या हो गए, 90 डिग्री साउथ तक क्या हो गए, 90 अंश हो गए। और 90 डिग्री साउथ को दक्षिण ध्रुव भी कहेंगे, इसको दक्षिणी ध्रुव भी कहते हैं। ऊपर वाला 90 डिग्री नॉर्थ को क्या कहेंगे, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव उसको कहते हैं। तो 90 अक्षांश है ऊपर में, यहां पर हमने डिग्री नहीं लिखा है, जानबूझकर के डिग्री नहीं लिखा है, क्योंकि ये डिग्री नहीं, 90 डिग्री जैसे आप लिखेंगे दैट मीन्स केवल और केवल एक अक्षांश के बारे में बात हो रही है। जैसे 90 डिग्री यहां पर डिग्री लिखेंगे, यहां पर डिग्री लिखेंगे, 90 डिग्री का मतलब हुआ कि 90वां अक्षांश, 19th लैटिट्यूड। लेकिन यहां पर हम लिख रहे हैं कितने अक्षांश हैं, 01 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक, तो कुल अक्षांशों की संख्या हमको दिखानी है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, 90। एक डिग्री साउथ से लेकर के 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश के तक कितने लैटिट्यूड है, कितने अक्षांश है, टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो हमने लिख दिया 90। और 90 और 90 होता है 180। और एक विषुवत रेखा को भी, विषुवत रेखा सबसे बड़ा अक्षांश है, सबसे बड़ा अक्षांश इस ग्लोब पर कौन सा खींचा गया है, विषुवत रेखा, उसको भी एक अक्षांश मानेंगे। तो एक अक्षांश इसको भी जोड़ लिए, 90 90 180 प्लस 1 181। और जब विषुवत रेखा सबसे बड़ा अक्षांश है, लगभग 40 75 किलोमीटर है, कितना है इसका, इसकी लंबाई कितनी है, 40,075 किलोमीटर। ये 40,075 किलोमीटर लंबा विषुवत रेखा है और सबसे लंबा है, इसका मतलब है कि बाकी सारे अक्षांश जो हैं इससे छोटे छोटे हैं। जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ, पोल की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे अक्षांशों की लंबाई कम होती जाएगी। याद करिए, जैसे जैसे विषुवत रेखा या इक्वेटर से नॉर्थ या साउथ की ओर जाएंगे, अक्षांशों की लंबाई कम होते जाएगी। देख लीजिए, अक्षांशों की लंबाई कम हो गई, अब यहां पर तो इतना ही छोटा अक्षांश हो गया, कम हो गई, यहां भी आपको इतना छोटा अक्षांश मिल जाएगा, कम हो गई। और 90 डिग्री के पास यहां पर जब पहुंचते हैं तो ये बिल्कुल लगभग 0 किलोमीटर हो जाता है। और आप जानते हैं कि लंबाई के लिए कोई डिस्टेंस होना जरूरी है, 0 किलोमीटर कोई चीज लंबा है उसको हम लंबा नहीं कहेंगे, उसको पॉइंट कह सकते हैं। मान लीजिए 50 किलोमीटर लंबाई हो तो पूरा पृथ्वी के लंबाई की तुलना में वो 50 किलोमीटर की लंबाई नगण्य हो जाती है, नथिंग हो जाती है, इसलिए उसको एक पॉइंट ही मान लेते हैं। तो 90 डिग्री नॉर्थ माने 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड की कोई लंबाई नहीं मानते, और वो चूंकि 0 किलोमीटर हो जाता है, 0 किलोमीटर हो जाता है, इसलिए अगर ये क्वेश्चन पूछे कि अक्षांश रेखाओं की लंबाई कितनी है तो वो दोनों को माइनस कर लेते हैं। अक्षांश टोटल अक्षांश पूछेगा, टोटल लैटिट्यूड अगर पूछेगा तब तो सारे जोड़ेंगे, 181 होगा। कहीं कहीं हमने देखा है कि 0 डिग्री को लैटिट्यूड नहीं मानते हैं, बहुत सारे जगहों पर ऐसा देखा है, लोग नहीं मानते हैं। लेकिन आप जाकर के एनसीईआरटी की 6 क्लास की बुक देखेंगे, उसमें डिटेल लिखा हुआ है कि 0 डिग्री लैटिट्यूड मतलब कि विषुवत रेखा भी एक अक्षांश है
और सबसे बड़ा अक्षांश है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल अक्षांश जो है वो रेखा नहीं है, इसलिए अगर कुल अक्षांश रेखाओं की लंबाई पूछेगा तो दोनों को माइनस कर लेंगे, और जब 181 टोटल अक्षांश है इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 179 तो बचेगा। इसलिए हमने लिख दिया है कि कुल अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या, कुल अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है 179। कैसे आई 179? तो 181 टोटल और 121 में से ये दो, ये 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड है, इन दोनों को माइनस कर ले, इन दोनों को 90 डिग्री, ये दोनों में कौन कौन है, ये दोनों होगा 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ, यही दोनों है, दोनों को हमने माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद 179 आता है और वही आंसर होता है, इसलिए मैंने लिख दिया है दोनों ध्रुवों पर अक्षांशों की लंबाई लगभग शून्य हो जाती है। तो अक्षांश रेखाओं से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके मन में उठते होंगे या बहुत सारे जगहों पर आते होंगे उसको हम लोग क्लियर कर लिए। अब इसकी विशेषताओं को हम जानेंगे, अगले क्लास में बताऊंगा इसकी विशेषताएं क्या है, लेकिन आप अपने तैयारी में लग जाइए, नोट्स बनाइए, पढ़ाई कीजिए। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, रिमाइंड करा रहा हूँ कि टेस्ट भी मैं लूंगा, आपको टेस्ट आपका सेल्फ का एनालिसिस करेगा कि अभी तक आपने क्या पढ़ा। लॉकडाउन अभी लंबा समय तक चलेगा, उस बीच में आप लोग घर पर रेस्ट मत कीजिए, वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए और स्टडी कीजिए। कल फिर मिलते हैं, ओके, थैंक्स।